ट्रॉक्सलर इफेक्ट। अगर आप शीशे में 10 मिनट लगातार अपने आप को देखोगे तो आपको कोई और ही शीशे में दिखेगा, एक ऐसा चर्च जो इंसानी हड्डियों से बना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही हॉरर फैक्ट्स लेके आया हूँ। नंबर 1, हॉन्टेड प्लेग आइलैंड। इटली के प्रोवेजलिया आइलैंड को दुनिया का सबसे भूतिया आइलैंड माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड में 18 सेंचुरी में बहुत सारे लोगों की प्लेग महामारी से जान चली गई थी, और फिर 20 सेंचुरी में इसे मेंटल एसाइलम के लिए यूज किया, और अब इसको सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है। सरकार का भी मानना है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। फैक्ट नंबर 2, मेलिफाइड मैन। एंशियंट चाइना में एक प्रोसेस होती थी जिसका नाम था मेलिफाइड मैन, जिसमें बेसिकली मरे हुए इंसान की मम्मी को शहद यानी हनी से प्रिजर्व करते थे। इस प्रोसेस को करने के लिए किसी बूढ़े जो मौत के काफी करीब हो उसको खुद इस प्रोसेस के लिए आना पड़ता था, और फिर उसे हनी में नहलाते थे, हनी ही खिलाते थे जब तक उसके पूरे शरीर में शहद ही शहद ना हो जाए, और जब उसकी मौत होती फिर उसे 100 साल तक शहद की कब्र में रखते, और फिर 100 साल के बाद वह एक कैंडी में बदल जाता जो कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता था। फैक्ट नंबर 3, द चर्च ऑफ बोन्स। सिजैक रिपब्लिक में एक चर्च है जिसका नाम है द सेडलेक ऑसुएरी, और जिसकी सजावट ह्यूमन बोन्स से की गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस चर्च की जगह पर बहुत से लोगों की लाशें दफन थी, तो चर्च लीडर ने यह फैसला किया कि उन सब की हड्डियां भी चर्च का हिस्सा बनेंगी जो उन्हें भगवान के पास रखें। दोस्तों, क्या बेहतरीन डिसीजन था। फैक्ट नंबर 4, 2015 में एक जवान औरत को सरदर्द की प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर से पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, और उसे ऑपरेशन से ठीक भी करा गया और ट्यूमर को ब्रेन से निकाला गया। डॉक्टर उस ट्यूमर को देखकर शॉक हो गए क्योंकि वो एक स्किन की तरह था जिसमें हड्डी, दांत और बाल भी थे, मगर वो कोई पैरासाइट नहीं था। इसे टेराटोमा कहते हैं या फिर मॉन्स्ट्रस ट्यूमर। जब वह औरत अपनी माँ के पेट में थी तो कुछ सेल्स टिश्यू टूट गए और ऐसी जगह चले गए जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था, जो बाद में बाल और दांत बन गए, मगर बाकी सब कुछ नॉर्मल की तरह बड़ा हुआ। फैक्ट नंबर 5, द एग्जॉर्सिस्ट एक हॉरर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन थे। इस फिल्म में काफी कठिनाइयां भी आई, कई बार तो इसकी शूटिंग भी बंद करवानी पड़ी, और 9 लोगों की तो मौत भी हो गई जो इस फिल्म से जुड़े थे। लोग सोचने लग गए कि यह प्रोजेक्ट ही श्रापित है, मगर कई बार पंडित से पूजा भी करवाई गई। जैसे ही फिल्म का सारा काम खत्म हुआ फिर एक्टर की मौत भी हो गई इन्फ्लुएंजा से। फैक्ट नंबर 6, डंकन मैकडोगल जो एक डॉक्टर थे, 1901 में उन्होंने आत्मा को प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने उन पेशेंट्स का वेट नापा जो कि बहुत बीमार थे, और जैसे ही उनकी मौत हुई फिर मरने के बाद भी उन्होंने उनका वेट नापा, तो दोस्तों जो अंतर आया वो था 21 ग्राम्स का। फैक्ट नंबर 7, कॉन्जरिंग इफेक्ट। फिलीपींस के कुछ थिएटर्स में पंडितों को बुलाया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि कॉन्जरिंग मूवी को देखने के बाद उन्हें उनके आसपास किसी भूत के होने का एहसास होता था। फैक्ट नंबर 8, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आत्मा को कैसे डिटेक्ट करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर का तुरंत बदलाव को बताता है, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि जहां कोई आत्मा होती है वहां उस जगह पर टेम्परेचर का तुरंत बदलाव जरूर होता है। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर जो कि एक छोटी से छोटी वॉइस को भी डिटेक्ट कर लेता है। EMF डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करने में काम आता है। जैसे कहीं पर कोई टीवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं है पर फिर भी वहां पर EMF डिटेक्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि वहां कोई ना कोई आत्मा जरूर है। दोस्तों, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट पर जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।